से सब बेखबर है, जैसे सब बेखबर। कि तुमसे ये सब नहीं होने वाला, तुम छोड़ दो। हाँ, तुमसे नहीं होने वाला, तुम छोड़ दो। तुम जैसे डाविंची की भतीजी है ना, खुद का देखे, तुमसे तो लाख गुना बेहतर है मेरा। है एक ब्रश जो पकड़ा नहीं जाता, और बातें जो बड़ी बड़ी डाविंची को ले आए। ऐसा क्यों कर दियो? ले, ले, ले। तो लाख गुना बेहतर बना। हाँ हाँ ठीक, बताओ तुम्हें एक बात, मेरा एक दोस्त है मयंक, क्या क्या पेंटिंग बनाता है भाई, क्या पेंटिंग, मानना पड़ेगा। ये सही है ना? ये पूरी की पूरी बर्बाद है तुम्हारी पेंटिंग। हाँ, इसके आगे मत बढ़ो, तुम्हारी पेंटिंग से लाख गुना बेहतर है। दिख रहा है, दिख रहा है, किसी से भी पूछ लो। नमस्ते आंटी। नमस्ते, नमस्ते। कैसे लग रहे? बढ़िया। मेरा दादा सुंदर है। अरे कितने सालों बाद रूही घर में आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आंटी मैं तो कब से आना चाहती थी, ये रौनक है कि मुझे आज तक नहीं बुलाया घर। रहने दो रहने दो, मैं जैसे तुमसे सालों से बात कर रहा हूँ ना। तो आंटी तो बात ही तो नहीं हो रहा था, दोस्ती तो टूटा नहीं था। देखो बात नहीं हो रही थी। हाँ, बस बस तुमने कभी। ठीक है, तुम लोग अभी खा लो, मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक चल। अरे रौनक मुझे ना टंकी में पानी चेक कर लेना। हाँ मौसी। जल्दी जल्दी। हाँ मौसी। अच्छा ही बना रहा दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है। अच्छा वैसे आज हम लोग घूमने चले, बहुत दिन हो गया घूमे नहीं है, चलते हैं ना? हम चलते, बट मयंक आने वाला है मुझे नोट्स देने, तो वो कब से आया भी नहीं है, तो वो दोपहर को आएगा, बट हम शाम को चल सकते हैं। शाम को? हाँ ठीक रहेगा, शाम को चलते हैं। क्या बात है जीजू, आज साइरो वाले गाने कैसे? मैं पल दो। ये गाना मेरा ख्याल से ये गाना सबका जिंदगी को बताता है। हाँ वो तो है। वैसे जीजू आप जीएमयू से पढ़े हुए हैं ना? दीदी भी तो वहीं पढ़ती थी, तो तेरी दीदी का सुपर सीनियर था मैं। जिस साल वो कॉलेज आई उस साल मेरा कॉलेज का आखिरी साल था, बस जूनियर के नाते नाम तो जानता था लेकिन कभी भी बात नहीं हुई। कॉलेज छोड़ने के बाद मैं कभी भी कॉलेज में काम में आता था और उनसे मिल लेता था, और दोनों में बात हुआ, दोस्ती करी,
तीन साल हम लोग अच्छे दोस्त बने रहे, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया, उसके बाद शादी हुई। काश मुझे भी कोई ऐसा मिलता जिसके लिए मैं आखिरी रहूं। ऐसा नहीं है, हम किसी के साथ में पूरी जिंदगी जीते हैं वो इतना मायने नहीं रखता। हम किसी के साथ में जिंदगी पूरी जीते हैं वो मायने रखता है। वैसे जीजू, आप इस घड़ी के साथ क्या पूरी जिंदगी जीने वाले हो? ये घड़ी तेरी दीदी ने मेरे को दिया था। इसमें टाइम 10 मिनट फास्ट करके दिया था, क्योंकि कभी मैं कहीं भी टाइम में नहीं पहुंच पाता था, इसलिए वो मेरे लिए घड़ी ले और 10 मिनट टाइम फास्ट करके दिया। हाँ, उसके वजह से तो मैं थोड़ा पंक्चुअल भी हो गया। आप बहुत प्यार करते हो ना दीदी से? मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूं। बहुत दर्द दे रहा है, कहीं चल के बैठे। उधर बैठे किस लिए? सनसेट देखेंगे यार, प्लीज। नहीं, देखो ना कितना प्यारा सनसेट। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो ना प्लीज, चलो ना, उधर बैठेंगे। चलो चलो चलो। वाह, क्या दिख रहा है यार सनसेट, देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है ना। तुम्हें अच्छा लगता है? अरे मुझे बहुत प्यारा लगता है। चलो चलो ना बैठेंगे, चलो प्लीज। हाय, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। वैसे सनसेट कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खुश? मैं मजाक कर रहा था यार। बाय द वे, तुम्हें ये सनसेट इतना पसंद क्यों है? सनसेट है ही इतना खूबसूरत। क्यों? इसको दो चीजें हैं पता है? जैसे कि? देखो सनसेट हमें दो चीजें बताता है। पहला, कोई कितना भी खूबसूरत और सुहाना क्यों ना, एक ना एक दिन उसे भी डूबना है। और दूसरा? हाँ, और दूसरा, कोई अपने आखिरी वक्त में इतना खूबसूरत और इतना उम्मीदों भरा हो किसे ही पता। जस्ट लुक एट हर यार, कितना ब्यूटीफुल है। सच में बताओ, तुम्हें पसंद नहीं आया? बाकी तुम्हें एक चीज बताऊं? क्या चीज? कोई भी चीज कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कभी ना कभी उसको खत्म होना रहता है। जस्ट लिव इट यार, सनसेट कैसा लगा बताओ ना यार। मुझे सनसेट पसंद नहीं है यार। इतना प्यारा तो है यार, कैसे पसंद नहीं आ रहा? अब सबका थिंकिंग अलग होता है ना, उस तुम्हें समझना पड़ेगा उसे। हेलो। हाँ हाँ, सॉरी मैं भूल गई थी, मैं आ रही हूँ। मुझे निकलना पड़ेगा, मयंक नोट से नहीं आ रहा है। मयंक? हाँ। अभी? हाँ। अरे पर वो तो दोपहर को आने वाला था ना। नहीं नहीं, वो नहीं आ पाया था, तो अभी आ रहा है, तो मुझे निकलना पड़ेगा अभी उसको। नहीं, नहीं। अरे सुनो ना, बात मुझे निकलना पड़ेगा। बैठो ना प्लीज। अरे बाद में लेने ना उनसे नोट। तो अभी बात करने का टाइम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। वो मुझे बहुत दिन बाद मिल रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। बहुत दिन बाद तो हम भी मिले हैं ना। नहीं, अब तुम कंपेयर करना बंद करो ना, मुझे मिलना पड़ेगा उससे। वेट, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं मयंक, देखो मयंक दोपहर में आएगा बोला था, बहुत दिन बाद तो हम भी मिले। तुम उसको क्यों खुद के साथ कंपेयर कर रहे हो? मुझे जाना पड़ेगा अभी। अब मुझे बात करने का, हम बाद में भी बात कर सकते हैं ये सब, मुझे जाना पड़ेगा। रुको ना, दो मिनट जस्ट बैठ। देखो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सी मैंने बोला था ना दोपहर को आएगा, बट अभी देखो
इतना अच्छा सा सनसेट हो रहा है, तुम अभी चले जाओगे? मेरा वहां जाना ज्यादा जरूरी है। जस्ट जस्ट अ सेकंड, इधर देखो इधर देखो, आई नीड कंफर्मेशन, ठीक है? मैं भी अभी नहीं सह सकता हूँ, मुझे बताओ। सुनो इधर, सुनो सुनो इधर, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। रुको पहले सुनो रुहि, हम क्या हैं? क्या हैं? दोस्त। दोस्त? हाँ सिर्फ दोस्त। हाँ मैं ही पागल हूँ ना? मैं ही पागल हूँ जो 3 सालों तक तुमसे प्यार किया। रूही, रूही लिसन टू मी, मुझे जाना पड़ेगा, ये सब हम बाद में बात कर सकते हैं। रूही लिसन टू मी प्लीज, रूही आई लव यू। रूही 3 साल पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था। रूही रूही प्लीज, मुझे लगा था तुम बदल चुके होगे, लेकिन तुम नहीं बदले हो, तुम वही पुराने ही हो। नहीं यार मैं बदल गया था। तो फिर ये क्यों? मैं सोची थी हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते। मैं बदल गया था, पर जब तुम वापस आई देखो तो, हम सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो रूही, प्लीज मुझे जाना पड़ेगा। आई नीड टू गो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना प्लीज रूही, मुझे जाना पड़ेगा। रूही बात को समझा करो, दोस्त नहीं है आप। तुम समझते क्यों नहीं? दोस्त नहीं है यार, तुम्हें तुम्हें दिखता कैसे नहीं है यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई जब तुमसे प्यार करता है ना, वो चीज उसकी आंखों में दिखती है, पर नहीं तुम्हें तो नहीं दिखा। प्लीज यार ऐसे छोड़ के मत जाओ ना यार, मुझे इतने साल के बाद तो आई हो तुम, प्लीज मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। Can I just play a song? मुझे चलना है, बाय। रूही, रूही, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उस राह पे हूँ मैं, ये खड़ा तन्हा सा, जिस पर चले थे हम साथ यूं बेबाक।
परवाह बेफिक्र से हेलो मौसी। हेलो रौनक, कहाँ हो बेटा? जल्दी घर आओ ना। क्या? बेटा, बेटा जीजू, मुझे नहीं पता क्या करना है। क्या? बेटा, क्या? पापा क्या? अभी कुछ देर पहले बात किए थे हम दोनों। थोड़ा सा मार्केट से आ रहा हूँ। क्या बोले पापा? बेटा तू जा भी क्या मौसी? बेटा जीजू का एक्सीडेंट हो गया। पापा? जीजू नहीं रहे बेटा। क्या? मुझे नहीं सूझ रहा है, तू जल्दी आ घर, जल्दी आ।